हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल करियर्स एंड कोर्सेज। तो इस वीडियो के थ्रू हम आपके साथ एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, केंद्र सरकार की यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं 16 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। सो 16 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए और सीनियर पोजिशंस पे भी हैं। सैलरी जो होंगी वो सेवंथ पे कमीशन के हिसाब से होगी, क्योंकि ये बहुत ही रेप्यूटेड सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और ये नोटिफिकेशन अभी 2 दिन पहले ही जारी हुआ है, तो काफी समय है आपके साथ। और चूंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है, इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट अलग अलग फील्ड से जो हैं, चाहे वो सोशियोलॉजी हो या आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, इंजीनियरिंग हो, उससे अप्लाई कर सकते हैं इसमें। साथ ही अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो के नीचे राइट हैंड साइड में सब्सक्राइब का बटन है, और अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो आप इसे किसी और के साथ शेयर जरूर करें, जिससे ये उन तक पहुंच सके जो इस फील्ड में जॉब ढूंढ रहे हैं। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो हमने इससे पहले भी वीडियोस के थ्रू करीब 40 अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में वैकेंसीज आपके साथ शेयर करी हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो वैकेंसीज कहाँ पे हैं। तो ये नोटिफिकेशन है जो हमने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड किया है, और ये 21 यानी कि कल ही ये जारी हुआ है रजिस्ट्रार के ऑफिस से। जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 21st of October 2020, मतलब एक महीने का टाइम है आपके पास जिसमें आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में, जो कि दिल्ली में है। तो इनफैक्ट आप कहीं से भी हो, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चलिए अब बात करते हैं वैकेंसीज कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में है। तो ये पहला उनका है डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, वहां पे उनको एक प्रोफेसर, एक एसोसिएट प्रोफेसर और 4 असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है। तो मैक्सिमम जो पोजिशन है वो असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे है, एंट्री लेवल पे। दूसरा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ बायोसाइंसेज, वहां पे एक एसोसिएट प्रोफेसर और एक असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए। फिर एक सेंटर फॉर फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन, वहां पे 2 प्रोफेसर्स की रिक्वायरमेंट है। सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स, वहां पे एक प्रोफेसर और एक एसोसिएट प्रोफेसर उनको चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी में एक प्रोफेसर, एक एसोसिएट प्रोफेसर और 2 असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में एक असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में एक असिस्टेंट प्रोफेसर और एक एसोसिएट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है। इंजीनियरिंग फैकल्टी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है, डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, वहां पे उनको फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वैकेंसीज हैं। फिर उनका जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है यूनिवर्सिटी के अंदर ही, कैंपस के अंदर, उसमें एक फिजिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए, एक सिविल इंजीनियरिंग में, एक इंग्लिश में और एक मैथमेटिक्स में। फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री में उनकी काफी सारी रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे उनको जो है MBBS कैंडिडेट्स चाहिए होंगे। फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स में एक प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड आर्ट में एक वैकेंसी है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एजुकेशन में एक वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और एक वैकेंसी है प्रोफेसर के लिए। एक एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ स्कल्पचर में। तो ये एक एडवर्टीजमेंट है, एक और एडवर्टीजमेंट है उसके अलावा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले कुछ डिटेल्स नीचे जो दी हुई हैं वो हम देख लेते हैं। जो चूंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, इसलिए जो सैलरीज होंगी वो सेवंथ पे कमीशन के हिसाब से होंगी, ये इन्होंने क्लियरली यहाँ मेंशन भी करा हुआ है। जो डेट है 21 सितंबर को ये जारी हुआ है और इसकी लास्ट डेट है 21st of October। जनरल इंस्ट्रक्शंस कुछ वहां पे दिए हुए हैं उन्होंने, तो यहाँ पे उन्होंने बाकी डिटेल्स दिए हुए हैं कि आप कैसे, कौन कौन से उसके जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपने फॉलो करने हैं। जो क्वालिफिकेशंस के लिए उन्होंने एक दूसरा पेज, दूसरा लिंक दिया हुआ है, वो भी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये जो रिलैक्सेशन की उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस है, अगर आप किसी भी सेंट्रल लिस्ट में आते हैं तो जो भी उनके रूल्स होते हैं उसके हिसाब से आपको बेनिफिट मिलता है। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो वो 500 रुपीज है अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 250 रुपीज आपने पे करना है। बैंक का डिटेल्स इन्होंने दिया हुआ है, ये आपने सबसे पहले एप्लीकेशन फी पे करनी है, जो कि ऑनलाइन ही करी जा सकती है। उसके बाद आपने उसका जो रेफरेंस नंबर है वो नोट करना है, क्योंकि वो आपको चाहिए होगा।
एप्लीकेशन फिजिकल फॉर्म में है, मतलब आपने वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है, कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन इसमें नहीं है। एक एड्रेस दिया हुआ है, ऑफिस ऑफ द रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन सेक्शन, सेकंड फ्लोर, रजिस्ट्रार्स ऑफिस, जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया नगर, न्यू दिल्ली, 11025। ये आपका शाम 5 बजे से पहले वहां पे 21 अक्टूबर को पहुंचना है। जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका भी फॉर्मेट इन्होंने दिया हुआ है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो जो एडवर्टीजमेंट हमने आपको दिखाया, उसके अलावा ये एक और एडवर्टीजमेंट है जो 18 सितंबर को, 18 सितंबर को उनकी वेबसाइट पर आया है। इसमें उनका जो सरोजनी नायडू सेंटर फॉर वेमेन्स स्टडीज है, वहां पे वैकेंसीज हैं, एक प्रोफेसर, 2 एसोसिएट प्रोफेसर और 3 असिस्टेंट प्रोफेसर की। जब आप इसको नीचे पढ़ेंगे, जो सैलरीज है वो सेम है, 7 पे कमीशन के हिसाब से। इसमें वो प्रेफरेंस दे रहे हैं वेमेन्स कैंडिडेट को, तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। जो नीचे उन्होंने मेंशन करा हुआ है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, जब हम आपको दिखाएंगे तो वहां पे आप उसको पाएंगे। सेम एप्लीकेशन फीस है, इसकी लास्ट डेट 19 अक्टूबर है पर, और ये आपने उसी एड्रेस पर सेम, पहले आप फीस पे करेंगे ऑनलाइन उनके इसी अकाउंट में, फिर उनका एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट है, वो एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट आप डाउनलोड करेंगे और आप इस एड्रेस पर, जो कि है ऑफिस ऑफ द रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन सेक्शन में, आप भेज देंगे। 19 अक्टूबर से पहले ये वहां पे पहुंच जाना चाहिए। क्वालिफिकेशंस जो है वो जेनेरिक होती हैं, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में या स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में। अगर आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको पीएचडी कंप्लीट होना चाहिए होता है, या आपका जो आपका थीसिस सबमिट होने वाला हो, क्योंकि वो मार्किंग करते हैं और जो मार्क्स उसमें उनको ज्यादा एडवांटेज रहता है जिनका पीएचडी कंप्लीट हो चुका होता है। लेकिन एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं होती है। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको दिखाता, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट है, ये भी उनकी वेबसाइट पर ही है, इसका भी लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ये आपने डाउनलोड करना होगा। तो ये आपने पूरा फिल करना है, एडवर्टीजमेंट कब निकला है, रेफरेंस क्या है, ईमेल आईडी आपका क्या है, फिर आपके पर्सनल डिटेल्स, किस तरह से मार्किंग करी जाएगी वो इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें ये मेंशन कहीं पे भी नहीं है कि इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, और अगर आप देखें जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो प्राइमरीली आपकी जो परफॉर्मेंस है एकेडमिक्स में और आपका जो एक्सपीरियंस है रिसर्च में, आपकी परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे है। तो ये उन्होंने यहाँ एक्सप्लेन करा हुआ है कि कितने कितने मार्क्स किस बेसिस पे दिए जाएंगे, अगर आपके आपने एकेडमिक्स में किस तरह का स्कोर करा है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए है सिर्फ, इसमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी, नेट के मार्क्स मैटर करेंगे। उसके अलावा आपके जो रिसर्च पब्लिकेशन है, अगर आपका टीचिंग या पोस्ट डॉक का एक्सपीरियंस है उसको भी इसमें एडवांटेज दिया जाएगा, तो इसका भी प्रिंट आउट आपने निकालना है। ये एक तीसरा पेज है इसका, यहाँ पे आपने फोटो पेस्ट करना है और जो आपने फीस पे करी है उसकी डिटेल आपने डालनी है। और नीचे जाएंगे तो एक और ये फॉर्मेट है, ये भी आपने फिल करना है, और इसमें जो है आपने साथ में आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं, जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट हैं, वो उन्होंने इस फॉर्म्स में मेंशन करा हुआ है जो आपने अटैच करने हैं साथ में। और ये एक लास्ट में एक्नॉलेजमेंट है जो आप भर के भेजेंगे, एंड देन यूनिवर्सिटी विल सेंड इट टू यू, वो वहां पे से साइन करने के बाद। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपने फिल करने हैं और उनके उस एड्रेस पर भेज देना है। ऑफलाइन एप्लीकेशन है, ऑनलाइन इसमें नहीं है, तो टाइम रहते आप इसको भेजेंगे तो उसका अच्छा रहेगा, क्योंकि पोस्टल डिले भी कई बार हो जाता है। एक बार वेबसाइट भी मैं इसकी आपको दिखा देता हूँ। तो ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, jmi.ac.in, उसके करियर सेक्शन में आप जाइए, वहां पे ये वैकेंसीज आपको मिल जाएंगी। 21 अक्टूबर को ये जारी हुआ है, दूसरा जो नोटिफिकेशन है वो 18 सितंबर को जारी हुआ है। उसके ये दो एप्लीकेशन है, इनको जब आप क्लिक करेंगे इनके ऊपर तो वो पूरा डिटेल्स उसका ओपन होकर आ जाता है, और आप ये खुद से भी इनकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। ये जरूर डाउनलोड कर लें और फिर डिटेल में उसे पढ़ें, तो यू विल गेट अ क्लैरिटी ऑन दिस। होप ये आपके लिए यूजफुल था, और हम फिर आपके साथ कुछ वैकेंसी शेयर करने आएंगे शाम को। थैंक यू।